कि अपनी बीवी के साथ है ना सोएगा नहीं, वरना तेरा ये कर दूंगी। अपनी बीवी को ना नीचे सुलाएगा, उसका बिस्तर रातों को वीडियो कॉल कर करके चेक करेगी, दिखा तेरी बीवी कहाँ सो रही है। वो लड़की कह रही है तेरा अपने पति को खुश रखा कर ना, तेरा पति खुश नहीं हो रहा तभी तो मैं मेरे पीछे आ रहा है। तो शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने 40 दिन बाद लॉकडाउन लगा गांजा बेचना स्टार्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड मेरे को तोड़ना चालू, मेरे को कि तेरी सट्टे का नंबर नहीं लगा तो मेरी गलती, कि मैंने रोटी नहीं बनाई, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। मेरा जेठ कह रहा है तू कुछ भी कर ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू दुनिया के कौन से भी थाने में मेरी शक्ल देख के लोग बोल देंगे कि यहाँ कह रहे पुलिस वाले तो हम इनको पैसा भर भर के देकर आता हूँ मैं हर महीने, तू क्या बिगाड़ेगी हमारा। कल रात को एक पुलिस वाला आया वहां से अच्छे खासे आया, इनको देख के अपना रंग बदल लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी न्यूज फैक्ट में स्वागत है एक और जबरदस्त रिएक्शन वीडियो में। ये रिएक्शन वीडियो झलको दिल्ली से लिया गया है। इसका जो टाइटल है बहुत ही ज्यादा यूनिक है, अरमान मलिक से प्रेरित होके दिल्ली का लड़का बनना चाहता है दूसरा अरमान मलिक। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने आपको के दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? नैन्सी। नैन्सी जी, क्या कुछ हो रहा है आपके साथ? मैम मेरी शादी को 3 साल हो गया है। 3 साल के बाद जब से मेरी बेटी हुई थी ना, मेरे हस्बैंड ने मार पिटाई नशा ये सब चालू कर दिया था। हमें शादी से पहले बिल्कुल नहीं पता था, इन्होंने हमें मतलब अलग तरीके से बताया था कि मेरे हस्बैंड का नेल आर्ट का काम है, वो नेल आर्ट का काम करते हैं, वो कुछ मतलब इनका बहुत अच्छी फैमिली बताई थी बहुत। हमें नहीं पता था जय कॉलोनी के लोग हैं। बाद में जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने 40 दिन बाद लॉकडाउन लगा गांजा बेचना स्टार्ट कर दिया। गांजा बेच रहे, फिर मुझे पता लगा कि ये सट्टे का काम करता है। अब यूं कह रहे हैं, इन्होंने पहले मेरा पार्लर का काम था, मुझे कह रहे हैं हम तुम्हारे पार्लर खुलवा देंगे, मेरा नेल आर्ट का काम है, हम ये करेंगे। बाद में बहुत अलग सिचुएशन निकल के आई, जो कि मैंने फिर थोड़ा बोला कि तुम्हारा ये काम था, कह रहे हैं हमारा तो यही है 2 नंबर का काम, तुझे रहना है रहे, नहीं रहना है कोई बात नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने नशा चालू कर दिया। 2 महीने बाद वो MD का नशा, उसका नशा वो कई बार वहां पे जा भी चुका है। मैं 14 बार लड़कियों अलग अलग लड़कियों के संग उसको पकड़ चुकी हूँ। गंदी गंदी जगहों पे भी जाता है, रात भर घर नहीं आता, ना उसको बीवी बच्चों से कोई मतलब, मुझे लगता ही नहीं है कि हस्बैंड है या फिर हस्बैंड के संग रहना चाहिए। उसको फैमिली समझ ही नहीं आ रही है कि फैमिली के संग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। ना मेरी बेटी को जब से देख रहा है, अपने क्लब जाएगा, क्लब से आने के बाद नशे में आएगा, नशे में आने के बाद कुछ गलती हो जाए मारना पीटना, उसकी मम्मी ने कुछ बोल दिया फिर मारना पीटना चालू कर देगा। कोई वो ही नहीं। मेरी सास कह रही है अगर तुझे रहेगी यहाँ पे तो अपने तो तू सोच ले कि ये तेरा भाई है। मेरी सास, मेरी जेठ, मेरे सबों को पता है वो लड़की रिलेशन में है। मैं इसको हर बार पकड़ चुकी हूँ 14 बार, लेकिन ये जो लड़की है ना, इसको मैं पहले भी वार्निंग दे चुकी हूँ, इसको थाने से वार्निंग मिल चुकी है। ये भी शादीशुदा है, मेरी क्लासमेट रह चुकी है, मेरे लड़का हुआ था इसी, हमारा दोनों का इसका लड़का हुआ था, मेरी लड़की हुई थी, तब से इन दोनों का अफेयर चल रहा है। दीनदयाल से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड, मैंने 25 दिसंबर को मैंने ये डाली थी, मैंने ये कंप्लेंट इस लड़की की वजह से, इसमें इसका पूरा प्रूफ दिया गया है, CAW सेल में मेरी कंप्लेंट चल रही है, इसमें मेरी तारीखें लगती है। इस लड़की ने बोला हाथ जोड़ के कि मैं अब तेरे हस्बैंड से बात नहीं करूंगी, ये घूमते फिरते हैं, मेरे हस्बैंड को कपड़े दिलाएगी, दारू के लिए, ड्रिंक के लिए पैसे भी यही लड़की देती है। ये लड़की रात 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 को रात का काम करती है, नाइट ड्यूटी का। मैंने चलो इस बारे में चली गई CAW सेल से कि मेरा हस्बैंड अब सुधर जाएगा, नहीं करेगा, लेकिन कल मैंने फिर से पकड़ा है इन दोनों को अफेयर में। रोज मेरा ये दोनों होटल जाते हैं, रोज लड़की का नाइट का काम है, मेरा हस्बैंड स्टेटस जो डालता है उसके होटलों के होते हैं और लड़की भी वहीं जाती है। मैंने इन दोनों को रियल पकड़ा है, मेरे हस्बैंड ने इसका नाम लिखवा लिया है अपने हाथ पे, इसके सिमरन नाम है इस लड़की का, इस लड़की का नाम लिखा हुआ है दोनों के हाथ में, एक के हाथ में क्वीन है, एक के हाथ में किंग है। लड़की ने अपने हस्बैंड के ऊपर केस डाला हुआ है अपने यहाँ पे। दोनों जब आए हैं, लड़की की गर्दन वर्दन पे इतने उसके निशान है लव वाइट के इतने, तो उसकी मम्मी ने पूछा ये तेरे से कहाँ से आए, अपनी मम्मी को ही उल्टा बोल रही है ना, वो लड़की किसी की सुन रही। मेरे सामने उसने कल मैसेज करा है कि पहुंच गए ठीक हो, और मेरे हस्बैंड को इस तरीके से बोलेगी कि अपनी, मेरे जब जेठ ने मैसेज पढ़ के सुनाया इन सबों को, बताती मेरे जेठ को, कह रही कि अपनी बीवी के साथ है ना सोएगा नहीं, वरना तेरा ये कर दूंगी। अपनी बीवी को ना नीचे सुलाएगा, उसका बिस्तर रातों को वीडियो कॉल कर करके चेक करेगी, दिखा तेरी बीवी कहाँ सो रही है, दिखा तेरी बीवी कहाँ सो रही है। मेरे हस्बैंड ने मेरी DP लगाई होगी, मेरे हस्बैंड के बेटी के जन्मदिन पे DP लगाई, स्टेटस लगाया, ना कुछ DP लगाने देगी ना कुछ स्टेटस लगाने देगी। मैंने सोचा था कि चलो सुधर जाएगा, ये चीज हो जाएगा, लेकिन जब उस लड़की ने हाँ कर दी ना शादी के लिए, पुलिस वालों ने बोला कल कि तू इसको ना भाई बोल दे,
भाई बोल रहे, ना तो उसको भाई बोल रही है ना कुछ कर रही है। मैं बस अपने हस्बैंड से चाहती हूँ अगर तुझे इसके संग रहना है रिलेशन, क्योंकि इसके भी पति ने बोल दिया, रात दिन ये होटल पर रूम ले लेता है, लड़की की छुट्टी होती है, दोनों खाते पीते हैं, मजे करते हैं, वो अपने घर मैं अपने घर। अच्छा एक चीज बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 3 साल। 3 साल है, 3 साल में ये कब ये सब होने लगा आपके? ये सब होने लगा मेरी बेटी के बाद, जब से मेरी, मैं से मार पीटे घरेलू चलते रहते थे छोटी मोटी लड़ाई में, जब जिस दिन से मेरी बेटी हुई ना, दीन दयाल से ही इन लोगों ने मारपीट चालू कर दी थी। जैसे ही पहले लगा कि लड़का होगा, हाँ बहुत अच्छे से मेरे संग बिहेवियर कर रहे थे, हर एक चीज हो रही थी। जिस दिन से मेरी लड़की हुई ना, मेरी सास वास ऐसी हो गई ना कि बस पूछो मत, वहाँ पर मेरे को दीनदयाल में ही छोड़कर आ गए थे ये लोग। छोड़ दिया आपको? दीनदयाल में छोड़कर आ गए थे, ये 20 दिसंबर को हुई थी मेरी लड़की 2020 में, वहाँ पे कि अब हम क्या करेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं जापे में पड़ी हूँ, ये लोग मुझसे लड़ क्यों रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे पे हाथ तक उठा दिया वहाँ पर आके, सब लोगों ने मेरे को छुड़ाया। मेरी सास की ये गलती है, मेरी सास कभी मेरे हस्बैंड की गलती नहीं मानती, कभी मेरे हस्बैंड को नहीं बोलेगी कि हाँ मेरे बेटे की गलती है, हाँ मेरा बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है इसने। और वो लड़की कह रही है मेरे से, जब उसकी कल बात हुई मैंने बोला कि तेरे जैसे पल्ले पड़ जाए, वो लड़की कह रही है तेरा अपने पति को खुश रखा कर ना, तेरा पति खुश नहीं हो रहा तभी तो मैं मेरे पीछे आ रहा है, तो अपने पति को क्यों नहीं अपना घर बसा रही। वो उल्टा मेरे पे बोल रही है मेरा पति मेरे से खुश नहीं रहता, उल्टा। अच्छा ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि इसके साथ रह रहा है, आपकी जो सास है आपको अस्पताल में छोड़कर आ गई, रीजन ये था कि आपकी लड़की हुई थी? लड़की हुई थी मैम, प्रॉपर यही था, क्योंकि मेरी जो नंद की भी 2 लड़कियां थी जो मेरी यहाँ पे रह रही है, मेरी जिठानी की भी 1 लड़की थी, क्योंकि पहले भी जिठानी की लड़की हुआ कह रही कि अब लड़का हो जाएगा, कि उसने बोला कि जिस दिन ये हुई ना मैंने तो कपड़े भी फेंक दिए थे, मैं तो कपड़े भी देकर आ गई थी, तो मेरी जिठानी ने बोला। तो फिर जब मेरी बेटी हुई तो सब बोलते थे लड़का होगा, मेरी सास मेरी बेटी को उठा के नौ आंसू रोती थी मेरे आगे, मैं लड़की को उठाई भगवान ने लड़की दे दी, इतना रोती थी। और है ना आप मानोगे, मैं इस पे झलको दिल्ली से बात कर रही हूँ, ऐसा कौन सा है, जब मेरी लड़की की छठी पूज रही थी ना, छठी माता को ना चप्पलों से मारा है मेरी सास ने मेरे आगे, चप्पलों से कहती है हमारे में चप्पलों से मारते हैं कि अगली बार है ना लड़की ना बन के आए, लड़का बन के आए। इतना मैंने कहा मम्मी ये सब कहाँ होता है कि देवी देवता हो तो तुम चप्पलों से मार रहे हो कि हमारे घर लड़की ना पैदा हो। तो मेरे को इस चीज में बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने तब भी 3 साल गुजार लिए। मेरी सास कह रही है तू यहाँ पे रहेगी ना, तू सोच कि तेरा भाई तेरे साथ रह रहा है, मतलब पति को भाई बना, पति को भाई, ऐसा हो सकता है कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे, कह रही है तू कमा तू अपने ऐस मोज, मतलब मैं पति का रिश्ता निभाऊं। परसों मेरे से आके लड़ रहा है कि मेरी माँ की सेवा करेगी, मेरी माँ का सुबह जाएगी काम करके आएगी, ये करके आएगी, सुबह घर का काम करेगी। मैं हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर एक चीज कर रही हूँ, लेकिन मैं पीने वाले के साथ जिंदगी गुजर सकती है जो पैसा ना कमाए, लेकिन ये दूसरी जो लड़की का रिलेशन है ना, मैं ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। मेरी सास को भी पता है, मेरे जेठ भी कल कह रहा, मैंने कहा ये होटलों में रहता है, कह रहा मुझे पता है, मैंने कल बोला था इस चीज को, मैंने मम्मी को, मम्मी तुम्हें फोन करके क्या बोला था कि पारस को संभाल लो, नैन्सी इसके संग ऐसे नहीं रहेगी। तो मेरा जेठ बोल रहा है ठीक है इन दोनों से खाली कराओ, तो मैंने बोला कि मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पीछा छोड़ दो, लड़कियां होती हैं तुम्हारे पैसा लेती हैं ये लेती हैं, मुझे बस डिवोर्स दो। तो मेरा जेठ कह रहा, तो मेरे को वहाँ पे बोला डावड़ी मोड़ में कि कम से कम आप लड़की की कस्टडी तो लोगे अपने हाथ में। मैंने कहा मैम जितना मेरा इस पे केस चलेगा ना इतना मैं खुद कमा लूँगी, इतना मैं खुद लड़की को लेके कमा लूँगी, लड़की की भी जिंदगी वेस्ट हो रही है, मेरे भी वेस्ट हो रही है। आज मेरे पति ने हमारे पे चांदी का छल्ला नहीं छोड़ा, एक चांदी की चीज, मेरी लड़की की बालियां जो मेरी मम्मी ने दी थी, मेरे कानों के दिए थे, यहाँ पे मेरे पास इस टाइम कुछ ही नहीं है कि सब कहाँ गया, सब जुए में, कि नैन्सी अपने कानों के दे दे मेरे को, वो रखना है क्या नाम है जुए में सट्टे का काम स्टार्ट करना है, कि मेरी पहले लड़की की आज तक मेरी बालियां नहीं छूटी हैं, आज तक ना वो आया है, कह रहा है कि वो तो अब नहीं आएगा, इसने बीच में पैसा कमाया था, यहाँ से सट्टे का काम कमाया, वहाँ से मेरा जेठ जुए में हार के आ गया, जुए में हार के आया। मेरी सास बोले कि लग गई उसकी हाय, लग गई उसकी नज़र, लगा दी उसकी नज़र, मेरे हस्बैंड मेरे को तोड़ना चालू, मेरे को कि तेरी सट्टे का नंबर नहीं लगा तो मेरी गलती, कि मैंने रोटी नहीं बनाई, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। मेरा जेठ कह रहा है तू कुछ भी कर ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू दुनिया के कौन से भी थाने मेरी शक्ल देख के लोग बोल देंगे कि यहाँ कह रहे पुलिस वाले, तो हम इनको पैसा भर भर के देकर आता हूँ मैं हर महीने, तो क्या बिगाड़ेगी हमारा। कल रात को एक पुलिस वाला आया वहाँ से, अच्छे था से आया, इनको देख के अपना रंग बदल लिया।
मैं पहले महिला सेल से भी आ चुकी हूँ, जब इस लड़की के पीछे ना मेरे को गली में घसीट घसीट के मारा था, मेरी अच्छा। मेरी छोटी वाली बेटी है ना, मेरी गर्दन में यूं लटक रही थी, पूरे गली वाले छुड़वा रहे थे मेरे बालों को, यूं पूरी उस गली से लेके यूं पूरी खींच खींच के लेकर आया था मेरे को, गली गली ईंटे, जब हम इसके घर जा रहे थे गली गली ईंटे फेंक फेंक के मारा था नशे में, पूरी गली जानती है, सब लोग जानता है, पूरा सीव लोग कि ये लोग कैसे हैं। आपको चाकू भी मारा है? हाँ मैम, ब्लेड भी पहले मार चुका, और जब भी ये हाथ उठाता है ना, मेन ये चीज है इसको, ये है कहता है मैं तेरी शक्ल खराब करूंगा, तुझे शक्ल का घमंड है ना, मैं तुझे शक्ल खराब करना चाहता हूँ। कल भी डाबड़ी मोड़ में उनपे बोल कर आया है कि बेटा तू घर चल एक बारी, तूने इस लड़की को कह रहा कि अगर इस लड़की पे आँच आई ना तो मेरे को नहीं छोड़ेगा जिंदा, ये जो इसके गर्लफ्रेंड है मेरे को नहीं छोड़ेगा जिंदा, तो वे कह रहा बेटा तू घर चल, अब एक एक पेट्रोल की बोतल ला के सीधा बस तेरे ऊपर आग लगानी है मेरे को, बेटा ये मेरे को स्टेटस लगा रहा है 3-4 दिन से कि बस मेरे को किसी से बदला लेना है, बस मेरे को किसी से बदला लेना है। मैंने कहा देखो बदला किससे लेना है, कह रहा बस है कोई जिससे मुझे बदला लेना है, वो मेरी ताक में बैठा है कि बदला लेना है, और वो कुछ ना कुछ मेरे को ये चीज़ डर है मैम कि घर पे रह के ना मेरी सास ने पहले ही बोल दिया कि यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी मर के जाएगी, मैं हर बार मेरी ये अच्छी बात होती है कि मैं वहाँ से बच के आ जाती हूँ, बस वो ये चाहते हैं कि यहाँ से मर के जाए वहाँ पे। तो अभी कहाँ रह रहे हो मैम? मैं अब आज सुबह मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी, मैं वहीं पर ही रह रही हूँ। आपके मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मैम नहीं सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है ना, ये लोग जब घर पे आके मम्मी, इसने मम्मी तक को ईंटे फेंक फेंक के मारी हुई हैं, आप बताओ मैम कौन, मेरी मम्मी अभी घर जाएगी ना शीशे तोड़ेगा, वो तोड़ेगा पूरे, मेरे घर वाले परेशान हो गए हैं इन लोगों से, वो कह रहे हैं मेरे से कि इनसे डिवोर्स ले, इनसे वो चीज़ कर तू फिर आ जा, क्योंकि रात में आधी आधी रात को घर आके कितना परेशान करता है। तो डिवोर्स नहीं दे रहा? डिवोर्स ये है कि ये यूँ कह रहा है इसके घर वाले कि ये कुछ ना कुछ मांगेगी, और इसने मेरे को पहले बोल रखा है कि मैं तो तुझे भी रखूंगा उसे भी रखूंगा, मैं तो दोनों को रखना चाहता हूँ, कह रहा है मैं तो अरमान मलिक बनूंगा, तू कर ले बस मेरे को वो चीज़ बनना है, और मेरी लड़की से ज्यादा उसके लड़के को प्यार करता है। तो आप अपने पति के साथ अब नहीं रहना चाहती है? मैम अब नहीं, अब ये नहीं ना, तो अब कोई मतलब ये चीज नहीं बची, मैंने हर तरीके से घर इसमें देख लिया बसा के कि मैं घर बसा लूंगी, हर एक चीज कर लूंगी, और ये नहीं रहना, नहीं रहना चाहता। इसको शायद दूसरी पसंद है जो इसके संग दारू पिए, जो इसके संग ड्रिंक करे, वो चीज करे, तो कोई बात नहीं तू दूसरी देख ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, ये डाबड़ी में इन्होंने कंप्लेन लगाई है CAW में, महिला सेल में, जिसमें इन्होंने सब कुछ लिखा है कि पिछले 3 सालों में इनके साथ क्या कुछ हो रहा है, बीते 3 सालों में लगातार इनके साथ मारपीट की जाती है, और मारपीट के सबूत भी हैं, कुछ तस्वीरें आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी, ये तस्वीरें देखिए कि इनके हस्बैंड के द्वारा ही ब्लेड से हमला किया गया, और ये साफ तौर पर बता रही है कि जो ब्लेड इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है जिससे हमला किया गया है, ये वही ब्लेड है मतलब जो इस व्यक्ति के पास हमेशा रहता है। आपके हस्बैंड के पास ब्लेड रहता है? हाँ जी मैम, हमेशा रुमाल में वो अपने पास ब्लेड रखते हैं, इनलीगल बंदूक भी रखी हुई है उन्होंने अपने पास। अच्छा। मार कुटाई में वो हमेशा चाहता है, एक वीडियो है जिसमें वो अपनी बंदूक दिखा रहा है घर पे। हाँ हाँ जी, ये वीडियो भी देखिए एक बार। अच्छा कुछ और भी चीजें हैं, एक बार चोट दिखाएंगे आपको कहाँ लगी है, एक बार यहाँ देखिए, ये देखिए ये निशान आप देख रहे हैं, ये सबूत है कि ब्लेड से हमला किया गया है, ये देखिए कंधे पे आपको निशान नजर आएंगे, देखिए कितनी बेरहमी से मारता है। इनका एक छोटा सा बच्चा है, बच्ची है, कितने साल की होगी वो? 2.5 साल की। 2.5 साल की है, 2.5 साल की इनकी बेटी है, और जब वो बेटी हुई थी, आज भी देश में लोग इतने पिछड़े हो चुके हैं या इतने पिछड़े हैं, अभी भी समाज में इस तरीके के लोग जीवित हैं जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ। एक सास जो खुद एक महिला है, वो कैसे ये कह सकती है कि लड़की होना पाप है, तुमने एक लड़की को पैदा किया है, जबकि खुद एक लड़की है और एक लड़की ही एक लड़की को पैदा कर रही है। तो आप सोचिए समाज में किस तरीके की इमेज अभी भी बनी हुई है, लोग कितने रूढ़िवादी सोच के हैं जो अभी भी इस तरीके की बातें करते हैं। और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि जब इनको बेटी होती है उस दौरान अस्पताल में होती है, इनकी सास, इनका पूरा परिवार इनको छोड़कर चला जाता है पैसे देकर कि तू अपना सब कुछ देख लियो, क्या ये सही है? एक पति जो अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसने बेटी पैदा की है, और दूसरा मैरिटल अफेयर बनाने लग जाता है, और अब ये चाहता है कि दोनों बीवियों को अपने साथ रखूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर ये कल्चर देख रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें देख के लोग अपनी निजी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है कि उस बीच एक महिला है, एक पत्नी है, एक माँ है,
जिसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसका पति उस पर हमला करता है, मारता है, पीटता है, वो महिला कंप्लेंट भी लगाती है लेकिन कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं होती। कारण ये है कि दिल्ली पुलिस से साठगांठ है, दिल्ली पुलिस पैसे लेती है, जो इनका पति है वो इलीगल काम करता है लेकिन पुलिस कार्रवाई करे तो कैसे करे, क्योंकि पुलिस की जेब तो उस व्यक्ति ने भर दी है, अब ऐसे में पुलिस कार्रवाई करने से डर रही है। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये महिला किस कदर परेशान है कि अभी डिवोर्स चाहती है लेकिन पति डिवोर्स भी नहीं देना चाह रहा, मैरिटल अफेयर चला रहा है और मजे से किसी और महिला के साथ जो रात को वो किसी और के पास रुकता है और दिन में जब आता है तो इस महिला के साथ मारपीट करता है। और ये इनका कहना है कि पूरा जो इलाका है वो सब कुछ जो इलाके के निवासी हैं वो देखते हैं लेकिन कोई बचाने नहीं आता, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करी, कंप्लेंट भी इन्होंने CAW यानी महिला सेल में लगाई हुई है, कार्रवाई की अपील कर रही हैं। अब देखना यही होगा कि कार्रवाई तक होती है, लेकिन जिस तरीके से बता रही है कि इनका पति कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से एक क्रिमिनल है जिसके पास एक विदाउट लाइसेंस हथियार भी है, और जिस तरीके से बता रही है कि ब्लेड भी एक रुमाल में बांध कर रखता है, रातों को घर नहीं आता है, सट्टे का बिजनेस करता है, लेकिन पुलिस की तरफ से उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा और आखिर में मैं यही कहूंगी इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। वीडियो आपने देख लिया है, वीडियो में बहुत ही ये महिला को बहुत ही ज्यादा पीड़ित किया जा रहा है इसके ससुराल द्वारा, इसके हस्बैंड द्वारा, इसके ससुराल पक्ष के द्वारा इस महिला को बहुत ही ज्यादा पीड़ित किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है मारने की, हर प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है। इस महिला के यहाँ कंधे पर ब्लेड के निशान पाए गए हैं, ब्लेड क्यों निशान पाए गए हैं, क्योंकि जो इसका हस्बैंड है वो किसी और महिला के साथ अफेयर में है और किसी महिला को प्यार करता है, इस वजह से इस महिला को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, हर एक चीज से टॉर्चर किया जाता है। जब ये महिला प्रेग्नेंट थी दिसंबर 2020 में और जब इससे लड़की हुई उसी दौरान इसकी जो लड़के की गर्लफ्रेंड है उससे भी लड़का हुआ, तो उस दौरान से उन दोनों के बीच में अफेयर चलने लगा और उसने इसको छोड़ने की धमकी दे दी, और कई केसों में वो बोल भी चुका है कि मैं तुझे भी रखना चाहता हूँ और उसे भी रखना चाहता हूँ। पर एक बात बताइए कि एक शादीशुदा महिला अपने हस्बैंड को किसी के साथ कैसे शेयर कर सकती है, नहीं कर सकती। और ये इंडिया में ये कल्चर सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून है इसके लिए, लॉ है, पर लॉ कोई इतना ज्यादा मानता ही नहीं है। और सोशल मीडिया में ये चीज ऐसी अफवाहों की तरफ फैलती है जिससे नॉर्मल व्यक्ति को हद से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इससे। और बहुत ही ज्यादा ये महिला है कि बच्ची है 2.5 साल की, और अब भी इसका जो हस्बैंड है दारू पीकर आता है, जेट और हस्बैंड दोनों ही सट्टे का काम करते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करते हैं इसे, इसकी सास के द्वारा, ये महिला की सास के द्वारा भी इसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। सास का कहना है कि वो अगर किसी को रख रहा है तो रखने दे, और तू अगर घर में रहना चाहती है तो एक भाई की तरह उसे ट्रीट कर। आप बताइए कि कौन सी महिला चाहेगी कि वो अपने हस्बैंड को भाई की तरह ट्रीट करे, कोई भी नहीं चाहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।